नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। पेश है आज दिनभर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। सभी खबरें सिलेक्टेड। पहली बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में हुआ पास। पक्ष में पड़े 125 जबकि विपक्ष में पड़े मात्र 105 वोट। जी आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में भी पास हो गया। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि विपक्ष में मात्र 105 वोट पड़े। इससे पहले चर्चा के दौरान कुछ सांसदों ने इस बिल को सेलेक्ट समिति में भेजने की मांग की। इसके लिए भी वोटिंग कराई गई। सेलेक्ट समिति में भेजने के पक्ष में 99 वोट पड़े जबकि इसके खिलाफ 124 वोट पड़े। यह प्रस्ताव टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन लेकर आए थे जो कि गिर गया। शिवसेना वोटिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई। राज्यसभा में बिल में संशोधन के लिए 14 प्रस्ताव दिए गए। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल 2019 पर वोटिंग में शिवसेना के सांसद शामिल नहीं हुए। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के 2 सांसद भी वोटिंग में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह एक कानून बन जाएगा। वहीं नागरिकता संशोधन बिल पर दिल्ली में संग्राम। कांग्रेस ने कहा कि देश की संस्कृति और एकता खतरे में पड़ी। जी आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल पर पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ दिल्ली में भी जोरदार विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए देश में मुस्लिम समाज की उपेक्षा कर रही है और बिल के जरिए देश को हिंदुत्व के रास्ते पर धकेलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने संसद के साथ साथ सड़क पर भी इस बिल का विरोध किया। पार्टी ने बुधवार को बीजेपी के मुख्यालय पर भी बड़ा प्रदर्शन किया और कहा कि इस बिल के अमल में आने के बाद संविधान की मूल भावना खतरे में पड़ जाएगी। इससे आगे आने वाले समय में देश के विभाजन का रास्ता तैयार होगा। कांग्रेस ने दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी इस बिल का विरोध किया। वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक पर मोदी और शाह को मिला इन दलों का साथ। जाने किसने डाले पक्ष में वोट। जी आपको बता दें कि राज्यसभा में कुल 245 सांसद होते हैं। हालांकि वर्तमान सांसदों की संख्या 240 है। ऐसे में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बहुमत पाने के लिए 121 सांसदों का समर्थन चाहिए। सत्तारूढ़ दल भाजपा के राज्यसभा में कुल 83 सांसद हैं। इसका मतलब हुआ कि विधेयक को पारित कराने के लिए भाजपा को उच्च सदन में 37 अन्य सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। भाजपा के 83 सांसदों के अलावा बीजू जनता दल, जदयू, अकाली दल, नामित सदस्य अन्नाद्रमुक, लोजपा का भी केंद्र सरकार को साथ मिला है। मतलब विधेयक को राज्यसभा में पेश किए जाने से पहले ही भाजपा के पास करीब 128 सांसदों का समर्थन था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों को दिया करारा जवाब। शिवसेना पर कसा तंज। जी आपको बता दें कि नागरिकता विधेयक 2019 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जहर बुझे तीरों से विरोधियों को जमकर लहूलुहान कर दिया। अमित शाह तंज कसने में माहिर हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को चिढ़ाने और ताना कसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। शिवसेना के नेता संजय राउत को जवाब देते हुए गृह मंत्री ने सदन में कहा कि उन्हें नहीं पता कि रात भर में नागरिकता विधेयक को लेकर शिवसेना का पूरा स्टैंड बदल गया। अमित शाह ने बड़ा ताना मारते हुए कहा कि जब वह पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो विपक्ष के नेताओं को गुस्सा क्यों आता है। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने आक्रामक लहजे में अपनाते हुए कहा कि कल तक जो बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान करते थे आज वही भाषा सदन के कुछ नेता और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के दबाव के आगे झुकी शिवसेना, नहीं लिया मतदान में हिस्सा। जी आपको बता दें कि नागरिकता विधेयक पर लोकसभा में मतदान के दौरान शिवसेना ने लोकसभा में सरकार के पक्ष में मतदान किया था लेकिन राज्यसभा में उसने अपना स्टैंड बदल लिया। शिवसेना ने राज्यसभा में मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विधेयक को पारित कराने को लेकर मतदान का समय आने पर शिवसेना ने सदन का बहिष्कार करने का फैसला किया। शिवसेना के इस स्टैंड पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी तंज कसा। उन्होंने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए शिवसेना पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कैसे कैसे लोग हैं सभापति महोदय जो सत्ता के लिए रातों रात बदल जाते हैं। शिवसेना के स्टैंड में इस बदलाव को कांग्रेस अध्यक्ष का दबाव माना जा रहा है। शिवसेना द्वारा लोकसभा में विधेयक के पक्ष में मतदान करने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नाराजगी जताई थी। बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के इस संदेश को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंचाया गया था और इसके बाद शिवसेना ने अपना स्टैंड बदल लिया। वहीं नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ असम और तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन। जी आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर असम समेत देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियां सड़कों पर आ गई हैं। असम में विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।
वहीं नागरिकता बिल पास होने पर बोली सोनिया गांधी, आज संवैधानिक इतिहास का काला दिन है। जी हां, आपको बता दें कि राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने काला दिन बताया है। पीटीआई के अनुसार विधेयक को राज्यसभा की मोहर लगने पर सोनिया गांधी ने कहा कि आज भारत के संवैधानिक इतिहास का काला दिन है। मालूम हो कि संसद ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। वहीं राज्यसभा में शिवसेना पर शाह का निशाना, आपने रातों रात अपना स्टैंड क्यों बदल लिया? जी आपको बता दें कि शाह ने एक बार फिर दोहराया कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इस दौरान शाह ने शिवसेना पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि सत्ता के लिए लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं और ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने रातों रात अपना स्टैंड बदल लिया। शाह ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि सत्ता के लिए लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं। शिवसेना ने सोमवार को लोकसभा में बिल का समर्थन किया था, लेकिन राज्यसभा में उसने हिस्सा ही नहीं लिया। महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि रात में ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना ने अपना स्टैंड बदल लिया। वहीं नागरिकता विधेयक के समर्थन में देशव्यापी अभियान चलाएगा आरएसएस। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक के समर्थन में वह देश भर में अभियान चलाएगा, जिससे 1.5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होने वाले हैं और इनमें से 50% से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। वहीं अमित शाह बोले, नागरिकता बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर देश का बंटवारा नहीं होता। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि यदि देश का बंटवारा नहीं होता तो नागरिकता संशोधन विधेयक नहीं लाना पड़ता। शाह ने कहा कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, ये सबसे बड़ी भूल थी। इस भूल के कारण ही ये बिल आज लेकर आना पड़ा है। अमित शाह ने कहा कि कई बार इस देश ने नागरिकता दी है। जब श्रीलंका के लोगों को नागरिकता दी तो उस समय बांग्लादेशियों को क्यों नहीं दी? जब युगांडा से लोग आए तो उनको नागरिकता दी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं दी? शाह ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि मैं पहली बार नागरिकता के अंदर संशोधन लेकर नहीं आया हूं, कई बार पहले भी संशोधन हो चुका है। वहीं अमित शाह ने कहा कि जिस तारीख से शरणार्थी भारत में आए हैं उन्हें उसी दिन से नागरिकता मिलेगी। जी आपको बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन बिल 2019 पारित हो गया। अमित शाह ने कहा कि शरणार्थी जिस तारीख से देश में आए हैं उन्हें उसी दिन से नागरिकता दी जाएगी, साथ ही उनके कारोबार को भी नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि जनता ने इसका समर्थन किया है और जनादेश से बड़ा कुछ नहीं होता। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग देश की जनता में भ्रम फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बिल देश के मुस्लिमों के खिलाफ है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि किस तरह से यह बिल भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ है। जी आपको बता दें कि गृह मंत्री ने कहा कि किसी के बहकावे में ना आए देश के मुस्लिम। जिस दिन से शरणार्थी देश में आए हैं उन्हें उसी दिन से नागरिकता मिलेगी और उन्होंने कहा कि उनके कारोबार को भी नियमित किया जाएगा। वहीं नागरिकता बिल पर शिवसेना को कांग्रेस की चेतावनी, संविधान से चलता है देश, वोटिंग के वक्त रखें याद। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने नागरिकता संशोधन बिल पर एक तरफ से शिवसेना को चेतावनी दी थी। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर अपना समर्थन देने वाली शिवसेना को कांग्रेस ने याद दिलाया था कि देश संविधान से चलता है। बता दें कि राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया गया और पारित भी हो गया। कांग्रेस की चेतावनी के बाद शिवसेना ने इस बिल का समर्थन नहीं किया। वहीं जेपी नड्डा बोले, मनमोहन सिंह की सलाह पर लाया गया है नागरिकता संशोधन विधेयक। जी आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह पर लाया गया है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को राजनीतिक हितों के बजाय राष्ट्र हित साधने की नसीहत दी और दावा किया कि इससे पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा। राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि यह विधेयक बेहद परेशानियों में जीवन जी रहे लाखों लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार देगा। वहीं महाराष्ट्र में फिर बढ़ने लगी सियासी हलचल। अब बीजेपी नेता बोले, भाजपा और शिवसेना का खून है एक। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचलें तेज हो गई। भाजपा और शिवसेना का खून और हिंदुत्व एक है।
और उन्हें फिर एक साथ आकर सरकार बनाना चाहिए। यह बात बुधवार को यहां महाराष्ट्र भाजपा के नेता चंद्रकांत पाटिल ने कही। शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी ने एक दिन पहले कहा था कि उनकी पार्टी और भाजपा निकट भविष्य में एक साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के कुछ दिनों बाद दोनों दल अलग हो गए थे। वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक पर संजय राउत का तंज, कहा जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर हैं। जी आपको बता दें कि राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने राष्ट्रवाद या हिंदुत्व के मुद्दे पर कहा कि जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो हम इस स्कूल के हेडमास्टर हैं। वहीं आजम खान बोले मुस्लिम सबसे बड़े देशभक्त। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने कहा कि मुसलमानों के पास 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान जाने या फिर भारत में ही रहकर बसने का विकल्प था और उन्होंने यहीं रहने का विकल्प चुना, इसलिए मुस्लिम सबसे बड़े देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि जो यहां रुके अन्य के मुकाबले वे बड़े देशभक्त हैं। अगर देशभक्ति के लिए यही सजा है तो मैं बस यह कह सकता हूं कि लोकतंत्र में केवल सिर गिने जाते हैं, दिमाग नहीं। आजम खान ने कहा कि विधेयक पर बहस के दौरान सरकार ने विपक्ष को नहीं सुना। वहीं राहुल गांधी ने नागरिकता बिल पर मोदी और शाह को घेरा, कहा मैं पूर्वोत्तर के लोगों के साथ खड़ा हूं। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से पूर्वोत्तर के नस्लीय सफाई का प्रयास कर रही है। उन्होंने विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर में प्रदर्शन होने से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए यह भी कहा कि वह पूर्वोत्तर की जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तर, मध्य और बिहार में कुछ स्थानों पर तथा झारखंड और विदर्भ में एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। दिल्ली प्रदूषण में 12 दिसंबर की शाम से सुधार होने की संभावना है। उत्तर के मैदानी और पहाड़ी राज्यों तथा मध्य भारत में कुछ हिस्सों में दिन के तापमान में भारी गिरावट होने के आसार हैं। वहीं 24 घंटों तक नहीं सुधरेगा प्रदूषण का हाल। जी आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में आज भी कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रिकॉर्ड किया गया। मौसमी स्थितियां अब भी प्रदूषण के अनुकूल हैं। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे शहरों नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद में मौसम बदलेगा। 12 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश के चलते दिल्ली के ऊपर मौजूद प्रदूषण साफ हो जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।